हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अखिल शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूं टीके फॉल्स, जो कि बैंगलोर सिटी से 25 किलोमीटर दूर पे है और मेरे रूम से, जहां पे मैं हूं, मेरे घर से 17 किलोमीटर है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैं ब्लॉग बनाया था वहां का, तो पूरा मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ कोरोना, वो क्लोज था। तो मैं गया तो थोड़ा वीडियो बना के मैं डाला था, और आप सबसे मैं प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा वीडियो डालूंगा। तो आज मैं जा रहा हूं वीडियो शूट करने। तो गाइस, देखते रहिए, इंजॉय, फाड़ू बिंदा सकस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ब्लॉग। तो दोस्तों, अब निकल रहा हूं मैं टीके फॉल्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। इंजॉय गाइस। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अभी रुके हैं खाना खाने के लिए। खाना खा के हम लोग आगे निकलेंगे। तो एंजॉय कीजिए। मौसम में यहाँ पे बहुत पानी रहता है। मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ से पूरा पानी बह रहा था, पूरा इधर से, लेकिन अभी गर्मी है तो यहाँ का पानी पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। और उधर एक आपको लेक देखने को मिलेगा, वहाँ पे बहुत बड़ा लेक है आगे, बहुत बड़ा लेक है उधर आगे। यहाँ ठंडी के टाइम पर बहुत पानी होता है, सब आके फ़ोटो शूट करते हैं यहाँ पर, नहाते भी हैं इधर। तो ये भी लोकेशन बहुत अच्छा है। ठंडी में अगर आ रहे हैं तो टीके फॉल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स खड़े हुए हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है टीके फॉल्स। तो अभी हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। थोड़ा हम लोग यहाँ रुक गए थे फ़ोटो शूट के लिए। तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे सब। देखो, ये फ्रेंड्स मेरे हैं, फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मेरे खड़े हुए हैं। सुनो ना, वो अनुराग है, वो अनुराग है, और ये उदय भाई हैं, और ये रोहित, और ये हुकुम सिंह राणा यूट्यूबर, और वो पीछे जो है जग्गा जासूस अहिर। चलो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, एंजॉय। तो दोस्तों जो मैं आप सबको लेक बोल रहा था, वहां से यही लेक है, आप देख सकते हैं, पूरा दिख रहा है, बहुत बड़ा लेक है। तो यहाँ पे आप अगर ठंडी में यहाँ पे आ रहे हो, थोड़ा थोड़ा ठंडा, मतलब कि नवंबर में अगर आ रहे हो आप, सितंबर अक्टूबर नवंबर में आ रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही फाड़ू प्लेस है। अभी थोड़ा गर्मी है तो पानी कम हो गया है। तो दोस्तों, ये लोग मेरे फ्रेंड हैं, पीछे आ रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये रोहित जो हैं, रोहित मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। हेलमेट निकाल लो ना, और क्या, अभी आप हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। हाँ। तो दोस्तों, फाइनली हम यहाँ आ गए हैं, बाइक अपना वहाँ पार्क कर दिए हैं। देखो, गूलर तोड़ रहा है मेरा फ्रेंड, गूलर बोलते हैं इसको, वो तोड़ रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं,
यही यहाँ का व्यू है पीछे का, ऐसा दिख रहा है। टीके फॉल्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी ज्यादा लोग यहाँ पे आए नहीं, वहाँ पे हम लोग देखे 25 बाइक रहा होगा और 2-3 कार खड़ा है, ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पे। बट प्लेस बहुत ही अच्छा है, तो आप यहाँ आके इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ दोस्तों। लेकिन गर्मी, वाओ व्हाट अ गर्मी यार, बहुत ज्यादा गर्मी है फ्रेंड। गर्मी वाओ, व्हाट अ समर यार। मैं लास्ट टाइम आया था तो पूरा नहीं घूम पाया था, वहीं से हम लोग को पीछे भेज दिए थे, बोले कि ये क्लोज है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो अभी मैं आप सबको पूरा दिखाने वाला हूँ यहाँ का व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ अंदर, उधर ही तक आके मैं चले गया था, तो अभी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अभी दिखाने वाला हूँ आप सबको मैं आगे, तो एंजॉय कीजिए। ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, साले ये वीडियो डिलीट कर। तो दोस्तों टीके फॉल का पूरा नेम है टोटिकल्लू फॉल्स, यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है कनाडा में, हाँ, नो एंट्री टू टीके फॉल्स। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से एंटर करते हैं। ये समझ लो कि एंट्री गेट है ही है अंदर जाने का। और अभी बारिश का मौसम नहीं है तो थोड़ा पानी कम है, तो गर्मी है इसलिए। अभी थोड़ा हम लोग सितंबर अक्टूबर में आते तो बहुत पानी मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फीस भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं। वो देखो उधर, आप देख सकते हैं एक दिख रहा है, वीडियो में भी अच्छे से दिख रहा है। दोस्तों साफ सफाई के लिए वहाँ पे घास जो है सूखा हो गया है तो उसको जला रहे हैं उधर, और ये पूरा हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक भाई साहब वो बेच रहे हैं, उसको हमारे यहाँ बुढ़ी का बाल बोलते हैं कलर करके उसको बेचते हैं। और इधर एक छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर है। फिर मैं आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। भाई साहब कहाँ से हो? हाँ यूपी में, कहाँ से? ओहो सही है फिर यार, हम भी वहीं से, वाराणसी से। तो ये भाई साहब हैं, इसको बेच रहे हैं यहाँ पे। कितने का है भाई? एक ये 20 रुपए। दो दे दो भाई, दो दे दो, यही खाएंगे आगे जाके। आओ टेस्ट लो। हाँ टेस्ट लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दो लिया है बुढ़ी का बाल, अब हम लोग खाने वाले हैं इसको, आगे जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, और मेरे फ्रेंड्स उधर जा चुके हैं, वहाँ पे जा चुके हैं। यहाँ आके आप रेस्ट कर सकते हो, ये प्लेस है। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एक बोर्ड है, नो एंट्री है, बट एंट्री है, ये कोरोना का है। तो दोस्तों यहाँ एक छोटा सा कुआं है, इसको मुंबई में बावड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत गंदा लग रहा है बट यहाँ पे है, तो आप सबको दिखा दिया मैं। तो दोस्तों ये है यहाँ का व्यू, हम लोग आगे जा रहे हैं, और ये पीछे का व्यू है पूरा हम लोग जहाँ से आए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखो मेरे फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, तो अब आगे वीडियो हम लोग बनाएंगे। वैसे पे बाहर बहुत ही ज़्यादा हॉट था क्लाइमेट, अभी अंदर आके थोड़ा अच्छा है। इधर थोड़ा ठंडा है, गर्मी इधर भी है लेकिन थोड़ा ठंडा है बाहर से, तो यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। पेड़ का, जंगल का अहमियत यहाँ आके पता चल रहा है कि पेड़ अगर होता तो क्या होता, ठीक है। तो आजकल तो पेड़ों की कटाई धुआंधार चल रही है, तो मौसम ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा। तो दोस्तों इसलिए बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो अपने हाथ से एक या दो पेड़ जरूर लगाए, ठीक है, तो इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा और ऑक्सीजन भी हम लोग को अच्छा मिलेगा। अभी दिल्ली का वीडियो आप देखे रहोगे, दिल्ली वालों का क्या हाल हुआ है, बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे, हाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बैंगलोर में तो बहुत अच्छा है, अभी बैंगलोर का तो बहुत ही अच्छा है। ऊपर एक लंगूर चढ़ा हुआ है बंदर, राजीव अहिर एंड रोहित मिश्रा, और वो उदय शुक्ला, अनुराग यादव, और ये हुकुम सिंह राणा है। ब्लॉग चल रहा है ये और ये हुकुम सिंह राणा है, वो देगी मगर जाने का नहीं। तो
दोस्तों अब धीरे धीरे हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ का व्यू ऐसा है कुछ, यहाँ का व्यू ऐसा दिख रहा है पूरा एकदम जंगल 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 जंगल। इसको बोलते हैं टोटिकल्लू फॉल्स, शॉर्टकट में टीके फॉल्स। किधर चाचा ऊपर चलना है? किधर? ऊपर 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 जाना है। चल। तो दोस्तों ये रास्ता थोड़ा डेंजर है, यहाँ पे आ रहे हैं तो बी केयरफुल, बहुत आराम से आना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेंजर है, बहुत डेंजर है। देखो यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना है, रास्ता बहुत ही डेंजर है दोस्तों। यहाँ आ रहे हो तो बी केयरफुल यार, बहुत आराम से आओ। अभी मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आप सबको। दोस्तों यहाँ टॉप से ऐसा दिख रहा है पूरा व्यू, व्यू तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का, बोले तो बिंदास, पहाड़ू बिंदास झकास ऐसा व्यू है यहाँ का। और थोड़ा ये रास्ता मुझे स्लिपरी भी थोड़ा लगा, रास्ता है मुझे स्लिपरी भी लगा, तो थोड़ा आ रहे हो तो बहुत ही बचा के आओ। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा व्यू ऐसा दिख रहा है, पानी तो अभी इधर नहीं दिख रहा है, अभी ऊपर जाएंगे उधर है, बट ऊपर से ऐसा व्यू है पूरा, पूरा व्यू ऐसा है, पूरा व्यू ऐसा है यहाँ पे। पूरा व्यू ऐसा है दोस्तों यहाँ का, थोड़ा थोड़ा बहुत कम पानी आ रहा है, बहुत बहुत कम, बहुत कम पानी आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यही है टीके फॉल्स, यहाँ पे पूरा पानी बहता है लेकिन अभी गर्मी की वजह से पूरा पानी सूख गया है, पूरा ऊपर तक ऐसे बहता है और इधर सब नहाते हैं आके यहाँ पे। यहाँ पे पानी है ही नहीं, पूरा सूख गया है, थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है यहाँ पे, बहुत थोड़ा पानी है। आपको यहाँ पे आना है तो जनवरी तक, या तो जनवरी के पहले आओगे तो बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने का। अप्रैल मई जून में तो पानी पूरा सूख जाता है तो ऐसा दिखता है। तो उधर आगे भी आप जा सकते हो, अगर अरे आगे भी ये जंगल टाइप का है, वहाँ पे सब लोग गए थे घूमने, वहाँ भी जाके फोटो शूट कर सकते हो, आगे अच्छा प्लेस है। तो दोस्तों यहाँ बेंगलोर में अगर हो तो यहाँ पे आप ज़रूर आओ क्योंकि बहुत ही अच्छा है, नेचुरल प्लेस है, यहाँ पे आके आप फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अभी तो पूरा सूखा है, हम लोग कपड़े भी लेके आए थे बैग में कि चलेंगे नहाएंगे वहाँ पे, लेकिन पूरा सूखा हुआ है तो अच्छा नहीं है। तो आपको अगर आना है तो जनवरी के पहले आओ तो बहुत ही अच्छा है, नवंबर दिसंबर में आओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आराम से नहाओ धो मज़े करो दोस्तों के साथ। यहाँ पे हम लोग आए थे नहाने के लिए तो ऊपर पूरा पानी सूख गया है, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इधर पानी है, यहाँ पे फोटो शूट कर सकते हो, लड़कियाँ वहाँ पे फोटो शूट देखो कर रही हैं, और जो हम लोग सोचे थे वो हुआ नहीं, ऐसा है यहाँ का। थोड़ा यहाँ पे ठंडा लग रहा है आके, इसलिए मैं बैठा हूँ इधर, और फ्रेंड्स मेरे आगे चले गए हैं। यहाँ पे आना है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में आओ, बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी तो पूरा सूख गया और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, बेंगलोर में अगर आप हो तो यहाँ पे आओ, बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो दोस्तों अभी मैं आगे से इधर आ गया हूँ, पूरा वीडियो हो गया, अब सब धीरे धीरे आ ही रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी प्यास लगा है बहुत, और सब फैमिली वाले वहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं, और ये भाई साहब अपने बुढ़ी के बाल वाले भाई साहब यहाँ पे हैं, अभी बेच रहे हैं, और हम लोग अब आगे जा रहे हैं। चलो भाई फिर मिलेंगे, मिलते हैं फिर। तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो यही प्लेस था, यहाँ पे थोड़ा पानी होता तो अच्छा लगता लेकिन नहीं था, पूरा सूख गया था तो उतना अच्छा नहीं लगा, और गर्मी तो ओ माय गॉड इतना ज़्यादा हॉट समर, ऊपर से मैं भी हॉट तेरे साथ लगा लूँ, वे भी दो टकीला शॉट, यही हाल हो गया है आज का यहाँ का। बट दोस्तों अच्छा प्लेस है, यहाँ पे आप आ सकते हो, बेंगलोर अगर हो तो बहुत ही आके एंजॉय कीजिए मस्त एकदम। कपल्स लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, इसको कपल प्लेस भी बोल सकते हैं, कपल लोग जाते हैं यहाँ पे, सब कोने कोने में लेके घुसे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को इधर उधर जाके, हीरांछा वाली कहानी चल रही है। हाँ तो ये तो पहले ही दिखाया था, मैं एंट्री करते हुए दिखाया था ये प्लेस, तो वही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। तो दोस्तों इधर इतना ही था, अभी हम लोग इधर आ गए हैं जहाँ पे अपना बाइक पार्क किए थे, बाइक हमारा इधर है, तो अभी हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं, आगे निकल के कहीं पे पानी पियेंगे, जूस वूस पियेंगे, बहुत तेज प्यास लगा हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग दिखाएंगे। तो दोस्तों इधर हो गया है, अब अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, आराम से ही चलो भाई क्योंकि इधर पब्लिक है, आगे जितना भी स्पीड में जाना होगा चलना। अभी आगे एक लेक है, वहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे स्नानम धानम करने के लिए, अगर हो गया तो अच्छा है,
क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा। मुझे मुंबई की याद आ गई यार, मुंबई में ऐसा ही गर्मी है, यहाँ भी बाहर आके ऐसा ही है। बेंगलोर में ऐसा कभी भी नहीं होता था। हमारे जैद भाई है और मोहम्मद गुरु जी, नाम क्या है? शाहिद भाई एंड जैद भाई, दोनों लोग हैं तो आप देख सकते हो इनको। ये लोग भी यूट्यूबर हैं, सब्सक्राइब करो इनका चैनल और लाइक करो। तो दोस्तों यही है जुला कामले लेक। अभी हम लोग यहाँ पे नहाने वाले हैं, स्नानम ध्यानम करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग नहा के आप सबको दिखाएंगे अपनी बॉडी, कितनी सेक्सी है बॉडी हम लोगों की। यही लेक है और ये यूट्यूबर हुकुम सिंह राणा, ये हुकुम सिंह राणा है और ये रोहित है और उनके पीछे उदय है, उनके पीछे राजीव अहिर और उनके पीछे अनुराग अहिर। दोस्तों अभी हम पानी के अंदर नहाने जाने वाले हैं, ठीक है? तो एकदम सेक्सी सेक्सी बॉडी दिखाएंगे अपना, और इधर वही है उसके अंदर अभी हम लोग कूदने वाले हैं। तो दोस्तों मैं जुला कामले लेक के अंदर नहा रहा हूँ अभी, मेरे फ्रेंड्स उधर पीछे हैं, वो लोग नहीं आए यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लेक है, यहाँ आके आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम नहा के बाहर आ चुके हैं और ये हमारे बाइक के रक्षक थे और जूता चप्पल के देख रहे थे पूरा, और ये सब है देखो भाई साहब लोग, नंगे पुंगे लोग। और हुकुम सिंह राणा है, यूट्यूबर गांडू आदमी। अभी हम लोग ऑन द वे हैं और घर पे जा रहे हैं, वीडियो पूरा शूट हो चुका है, मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, मैं आप सबको कुछ वहां के अबाउट बोलने वाला हूं। अगर आप वहां जा रहे हो तो कुछ खाने के लिए लेके जाओ और अपने साथ में पानी लेके जाओ, क्योंकि वहां ये सब एक ही शॉप है और वो भी अच्छा नहीं मिलता है वहाँ पे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जा रहे हो तो खाने पीने के लिए अपना व्यवस्था करके जाओ पहले से ही। तो दोस्तों बात करें अगर टीके फॉल्स के टाइमिंग का, तो उसका टाइमिंग है मॉर्निंग 6 से इवनिंग 6 तक। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप उसके बीच में कभी भी जा सकते हैं। तो वहां पे जाने का सबसे अच्छा टाइमिंग है 8:00 आप जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं, मस्त जाके अपना एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों उसका टाइमिंग यही है। और दोस्तों वहाँ अगर आप जा रहे हो तो आप वहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जनवरी तक जाओ, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक वहाँ पे पानी नहीं रहता है। उसके बाद जब बारिश होता है तब वहाँ पानी होता है, तब वहाँ पे नहाने में थोड़ा मजा आता है। और जुला कामले लेक है वहाँ पे, उसमें आप नहा सकते हो। मैं वहाँ नहाया, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे नहाए, अच्छा लगा। बट वहाँ पे ऐसा होता है कि जो फॉल्स का वाटर होता है वो रनिंग होता है ना, ज्यादा रहता है, तो उस वाटर में नहाएंगे हम तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस मंथ में ना जाए, फेब मार्च में, ऐसा मंथ में ना जाए। हम लोग गए थे वहां पे, गर्मी भी बहुत ही ज्यादा था, हॉट क्लाइमेट था बहुत ही ज्यादा, तो उतना मजा नहीं आया। बट प्लेस तो बहुत ही अच्छा है, बोले तो फाड़ू बिंदास आकाश है। तो दोस्तों अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, एंजॉय।